हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पाइथन का एक और नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे पाइथन में वर्क करते हैं। तो बेसिकली असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट का मतलब, अगर हमें किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू को स्टोर करवाना हो तो हम उसे असाइनमेंट बोलते हैं। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है x और इसमें हमें किसी वैल्यू को स्टोर करवाना है। लेट सपोज हमें इसमें 3 को स्टोर करवाना है, तो हम कैसे लेंगे? x इज इक्वल टू 3, मतलब कि x में हमने 3 को स्टोर करवा दिया। जब हम इसको अब x को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 3 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब कि x में हमारी 3 वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे पास पाइथन में मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि कैसे वो वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल है, असाइनमेंट वेरिएबल है x इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू। तो ये हमारा, इसमें क्या है, हमारे पास दो ऑपरेटर्स एक साथ हैं, एक तो हमारे पास प्लस है और एक हमारे पास इक्वल टू है। तो इसको ये कैसे वर्क करता है, इसका ऑपरेशन कैसे है? अभी एक्स में हमारे पास 3 है, तो लेट्स सपोज हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं विच इज वाई, और इसमें हम 5 को स्टोर करवाते हैं। तो ये हमारे पास वाई में 5 स्टोर हो चुका है। तो अगर हम जो हमारा प्लस और इक्वल टू ऑपरेटर है, तो उसको हम अगर ऐसे लिखते हैं, अगर सपोज मैं चाहता हूं कि एक्स में हमें वैल्यू को स्टोर करवाना हो जो हो एक्स और वाई का सम, एक तो हमारे पास ये तरीका है, मतलब कि x में x प्लस वाई, सबसे पहले x में हमारे पास क्या है 3 और y में हमारे पास क्या है 5, तो 3 और 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 8, और वो x में स्टोर हो जाएगा। चलिए इसको परफॉर्म करके देखते हैं। हमारे पास x में अभी 8 आना चाहिए, तो ये देखिए हमारे पास x में 8 आ रहा है। लेकिन इसको इसी ऑपरेशन को करने का एक और भी तरीका है, तो वो क्या है, अभी हमारे पास x में 8 है लेकिन y में 5 है। हम क्या करेंगे, x में फिर से दोबारा 3 को असाइन करवाएंगे, मतलब कि x में हमारे पास फिर से 3 है और y में हमारे पास क्या है 5। अगर हम चाहते हैं कि x में x और y का सम स्टोर हो, तो हम इसको दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस इज इक्वल टू वाई। अभी ये चीज जो मैंने लिखी है ये बिल्कुल इसके ही इक्वल है, मतलब कि सिंटेक्स में सिर्फ डिफरेंस है लेकिन जो इसकी वर्किंग है वो बिल्कुल सेम है। इसमें भी हमारे पास क्या होगा, एक्स में एक्स प्लस वाई स्टोर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स में हमारे पास एक्स प्लस वाई स्टोर हो जाएगा। तो चलिए इसको परफॉर्म करके देखते हैं। हमारे पास जब हमने ये परफॉर्म किया तो हमारे पास क्या आया था, एक्स में एक्स प्लस वाई आया था, मतलब कि एक्स में 3 था और वाई में 5 था, तो एक्स में क्या आया था 8। अभी हमारे पास एक्स में फिर से 3 है और वाई में क्या है 5। तो जब हम इसको रन करेंगे और जब हम x को अभी प्रिंट करेंगे तो हमारे पास x में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, और y में हमारे पास क्या है, y में हमारे पास 5 ही होगा क्योंकि y में हमने कोई चेंजेस नहीं किए और x में हमने क्या असाइन करवाया, x प्लस वाई। तो इसका मतलब है कि ये दिस इज इक्वल टू दिस। तो ऐसे हमारे पास x प्लस वाई एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऐसे ही सेम हमारे पास माइनस इज इक्वल टू ऑपरेटर भी है। अभी हमारे पास x में क्या है 8 और y में क्या है 5। तो अगर हम चाहते हैं कि x में, अगर मैं इसको लिखूं x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, अभी x में हमारे पास क्या है 8 और y में क्या है 5, तो जब ये परफॉर्म होगा तो x में हमारे पास क्या आएगा 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3। तो जब मैं x को अभी दोबारा से रन करूंगा तो हमारे पास x में क्या आ रहा है 3 आ रहा है और y में हमारे पास 5 ही है क्योंकि हमने y में कोई चेंजेस नहीं किए। और इसी को हम दूसरे वे में भी कर सकते हैं। x में मैं दोबारा से 8 को असाइन कर रहा हूँ, तो इसी को हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार किया था, x माइनस इज इक्वल टू वाई। तो इसमें भी क्या होगा, x में क्या असाइन होगा, x माइनस वाई का जो रिजल्ट होगा वो x में असाइन होगा। तो जब हम इसको रन करेंगे, मतलब कि x में हमारे पास 8 है और y में 5 है, तो x में अभी हमारे पास क्या होगा 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3।
ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हमारे पास है माइनस इज इक्वल टू ऑपरेटर। सिमिलर वे में हमारे पास मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ऑपरेटर भी है, तो उससे क्या होगा, अभी हमारे पास x में क्या है 3 है और y में क्या है 5 है, तो जब मैं इसको लिखूंगा x इज इक्वल टू x इंटू वाई, तो यहां हमारे पास क्या होगा x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5, तो 5 इंटू 3 हमारे पास क्या होगा 15, मतलब कि x में हमारे पास क्या आएगा 15। इसी को हम दूसरे ऑपरेटर से कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछली बार किया था, x में मैं दोबारा से 3 को असाइन कर रहा हूं, सॉरी x में दोबारा से 3 को असाइन कर रहा हूं, तो ये हमारे पास क्या होगा x इंटू इज इक्वल टू y। ठीक है फ्रेंड्स, x इंटू इज इक्वल टू 5, मतलब कि x में क्या असाइन होगा x इंटू y, तो x में हमारे पास 3 है और y में 5 है, तो x में हमारे पास अभी क्या आएगा फिर से 15 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ये ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, इन ये भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स ही हैं पाइथन में। ऐसे ही हमारे पास डिवाइड इज इक्वल टू भी है, अभी x में हमारे पास 15 है, x में हमारे पास 15 है और y में हमारे पास क्या है 5, जब मैं x डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू y करूंगा, x डिवाइड इज इक्वल टू y, तो x में हमारे पास क्या होगा, तो ये जो चीज है ये इसके बराबर है, x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, तो ये सिमिलर है, ये चीज है जो वो सिमिलर है। इसको मैं कमेंट में डाल देता हूं, x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, तो ये दोनों सेम है, इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ इसके सिंटैक्स का डिफरेंस है। अभी x में हमारे पास 15 है, y में हमारे पास 5 है, तो जब x 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो x में क्या साइन होगा 3 साइन होगा, तो जब हम यहाँ पे x को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास 3.0 आ रहा है, क्योंकि हमने ये फ्लोर डिवीजन नहीं की, ये हमारे पास फ्लोट डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन अगर आपको नहीं मालूम, तो मैंने आपको अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के वीडियो में बताया था कि फ्लोर डिवीजन हमारे पास क्या होता है। फ्लोर डिवीजन में हमारे पास जो हमारा डेसिमल का जो पार्ट है वो हमारे पास नहीं होता, हमें सिर्फ हमारा जो फ्लोर की वैल्यू ही मिलती है, तो ऐसे वर्क करता है हमारे पास डिवीजन इज इक्वल टू ऑपरेटर। ऐसे ही हमारे पास मॉडुलस इज इक्वल टू भी है, अभी हमारे पास x में क्या है 3.0 और y में हमारे पास क्या है 5। लेट सपोज x में मैं 10 को असाइन कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 10, अब x में हमारे पास क्या है 10 है और y में हमारे पास क्या है 5, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 5 को 10 के साथ, तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, जब हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है। तो जब मैं अभी x लिखूंगा, मैं x मॉड्यूलस इज इक्वल टू y, तो ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू x मॉड्यूलस y, तो ये दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है, सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस है। तो x में हमारे पास क्या स्टोर होगा 10 मॉडुलस 5 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मॉडुलस क्या बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है 0, तो जब हम यहाँ पे x को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा मॉडुलस इज इक्वल टू ऑपरेटर, और नेक्स्ट वन हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू, अभी हमारे पास x में क्या है 0, लेट सपोज x में हम कोई भी वैल्यू साइन कर लेते हैं जैसे 3, और y में हमारे पास क्या है, y में हमारे पास ऑलरेडी 5 ही है और x में हमारे पास क्या है 3। अब मैं लिखना चाहता हूं x इज इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल y, मतलब कि इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसका मतलब हमारे पास है कि x में हमारे पास क्या है 3, 3x में हमारे पास, और 3 मॉड्यूल एक्सपोनेंशियल 5, मतलब कि 3 रेस टू पावर 5, और तो 3 रेस टू पावर 5 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, और 81 इंटू 3 हमारे पास होता है 243, मतलब कि इसकी वैल्यू आएगी 243। तो इसको मैं और किस वे में लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे लिखेंगे y, तो ये हमारा सेम हो जाएगा ऐसे, x इज इक्वल टू x रेस टू पावर
वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास तैयार रिजल्ट आया था 3 रेज़ टू पावर 5 क्या आएगा 243। जब हम x को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारे पास एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू, और जो हमारे पास लास्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हमारे पास है फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू, मतलब कि x में हमारे पास क्या है 243 है, सॉरी x में हमारे पास क्या है 243 और y में हमारे पास क्या है, y में है हमारे पास 5। लेट सपोज x में हम किसी और वैल्यू को असाइन करते हैं जैसे 12 को मैंने असाइन किया, तो x में हमारे पास 12 है और y में 5 है। अब हम जब 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, अगर तो हमारे पास होती फ्लोटिंग डिवीजन तो इसका हमारे पास आंसर आता, जैसे मैं कर रहा हूँ दोबारा से, x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई, तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 2.4 क्योंकि हम फ्लोर डिवीजन ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसमें फ्लोट डिवीजन ले रहे हैं, लेकिन अगर हम इसमें फ्लोट डिवीजन लें तो हमारे पास जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है विच इज 0.4 वो हमें नहीं मिलेगा। उसको भी करके देखते हैं, जैसे x में दोबारा से मैं 12 को असाइन कर रहा हूं और y में हमारे पास क्या है 5, तो जब हम x को फ्लोर डिवीजन करेंगे ऐसे, फ्लोर डिवीजन का ये हमारे पास साइन होता है, मैंने आपको अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे हमारे पास होगा x इज इक्वल टू एक्स फ्लोर डिवीजन y, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सिर्फ 2 आएगा क्योंकि हम जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है वो हम छोड़ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो ये 0.4 था वो हमें इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि हम फ्लोर डिवीजन को यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम इसको शॉर्टकट वे में कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले लिखा ही था x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 5, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं x फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू 1, तो हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी जो हमें पहले थी। तो हमारे पास क्या था x इज इक्वल टू x फ्लोर डिवीजन y। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें हमारी सेम ही वैल्यू है जो ये हम ये लिख रहे हैं, ये सेम ही है इसके इक्वल, इसमें सिर्फ डिफरेंस हमारा सिंटैक्स का ही है, ये x इज इक्वल टू x डिविजिबल बाय y इसके ही इक्वल है, तो इसमें भी हमारे पास जो x में वैल्यू स्टोर होगी वो हमारे पास 2 ही स्टोर होगी। जब हम इसको x को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये देखिए 2 ही स्टोर हो रहा है, क्योंकि 10 जब हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ फ्लोर वैल्यू ही मिलेगी, हमें डिविजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ऑपरेटर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।